हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और आज देखिए, आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। मैं बनाने वाली हूँ गोंद के लड्डू। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ये मैंने आटा लिया है और ये कोकोनट है और ये है गोंद, तो और ये घी है और ये शक्कर है। तो फ्रेंड्स, ये गोंद के लड्डू सर्दी के टाइम में बहुत अच्छे रहते हैं और आपको पता ही है सर्दी में ऐसी चीज़ों की ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है। और जब जनवरी का टाइम हो तो बहुत ठंड रहता है, तो उस टाइम पे आप लोग गोंद के लड्डू बना के रखिए और डेली नाश्ते में लड्डू खाइए, बहुत अच्छे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ज़रूर देखना और पूरा देखना वीडियो को। और जो भी नए हैं तो फ्रेंड्स, लाइक शेयर ज़रूर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं एक सिंपल ही बताऊँगी आपको, ज़्यादा इसमें नहीं बताने वाली हूँ, जो इतनी हार्ड रेसिपी है ऐसा नहीं है कुछ भी। तो अभी देखिए, मैंने यहाँ पे आटा लिया है। सबसे पहले मैं आपको घी बता देती हूँ। घी मैंने 1 किलो लिया है, पाव पर गूंद लिया है। और एक जो गट होता है कोकोनट का, वो मैंने क्रश करके रखा है। यहाँ पे मैंने 3 पाव शक्कर लिए है और मैंने 1.5 kg आटा लिया है। और ये पाव पाव मैंने काजू बादाम वगैरह लिया है, वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी हम गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है, तो अभी हम तैयारी, तो अभी हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है और अभी मैं इसमें घी डाल देती हूँ। तो अभी मैं इसमें 1 चम्मच भर के घी डाल रही हूँ। तो देखिए, हम अभी गोंद को थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे, इसके फूले अच्छे से निकालेंगे। ये देखिए, एकदम ब्राउन। गोंद कुछ रेडी हो चुका है, तो अभी हम इसमें डालेंगे और आटे को भी सेक लेंगे इसी में। तो अभी आटे का कलर हमारा थोड़ा थोड़ा हल्का ब्राउन होने लगा है। आटे को हमें अच्छे से सेकना है, कच्चा नहीं रखना है, नहीं तो लड्डू भी इतने टेस्टी नहीं लगते हैं। जितना आटा अच्छा हमारा धीरे धीरे भूंजेगा, उसे ही लड्डू का टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है और उसकी खुशबू भी पता चल जाती है आपको कि अच्छे आटा सीखा हुआ है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अभी हमें सेकना है अच्छे से आटे को। तो आप देख सकते हो, अभी आटा हमारा अच्छे से भुन गया है, उसका कलर भी चेंज हो गया है। तो हमें इसको जलाना नहीं है, बस इसी स्टेज से बंद कर देंगे हम, क्योंकि ये सीख गए हैं। ऐसे करके ही मैं दूसरा वाला भी ऐसे ही सेक लूँगी। तो दूसरा भी हम ऐसे ही सेक लेंगे इसको अच्छे से। तो आप देख सकते हो, उसको एकदम अच्छे से कलर कैसा आया है, इतना अच्छे से सेकना है हमें। ऐसे ही मैं इसी को भी सेक लूँगी, क्योंकि मेरा कढ़ाई थोड़ा छोटा है तो मैं 2 बार में इसको सेक रही हूँ। और आपके पास अगर बड़ा है तो आप एक साथ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आटा तो हमारा रेडी है, इसको मैंने थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया है। देखिए, पूरा आटा एकदम से सिक गया है अच्छे से। इधर मैंने ये काजू बादाम को भी अच्छे से पीस लिया है। अगर आपको
कट के डालना तो वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पीस के डालती हूँ क्योंकि बच्चे वैसे नहीं खाते हैं। ये कोकोनट है तो इसको मैं इसमें मिला दूँगी अच्छे से, और इसको थोड़ा सा हमें इसको अच्छे से थोड़ा सा ऐसे दबा दबा के इसको ऐसे पीसना है हमें, तो हम किसी चीज़ की सहायता से हम इसको पीस लेंगे। कटोरी के साथ सहायता से हम इसको थोड़ा सा पीस लेंगे। तो अभी देखिए गूंद भी हमारा मेरा अच्छे से मिक्स हो गया है, तो मैं भी वो भी उसमें मिला देती हूँ अच्छे से। देखिए अभी हमें बाकी डालना है शक्कर और सिर्फ घी, इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। डाल रही हूँ इसमें शक्कर क्योंकि अभी ठंडा हो चुका है ये अच्छे से, तो इसमें हम डालेंगे शक्कर। इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। आपके पास अगर ब्राउन शक्कर है या आप गुड़ डालना चाहते हैं तो गुड़ भी डाल सकते हैं, बूरा डालना चाहते हैं बूरा डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं आपको जो पसंद है, और मीठा आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी फ्रेंड्स देखिए मैं इसमें घी मिला रही हूँ अच्छे से, और घी हमें थोड़ा थोड़ा ही मिलाना है क्योंकि एकदम ज़्यादा हो जाएगा तो हम थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाएंगे घी को। हाथ से ही इसको मिलाएंगे क्योंकि हाथ से मिलाने से ही हमें पता चलेगा कि कितना घी की इसमें ज़रूरत है लड्डू बनाने के लिए। ऐसे करके ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम घी डालेंगे। तो अभी हम देखते हैं ट्राई करते हैं बना के लड्डू के बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो देखते हैं। देखिए हमारा लड्डू अच्छे से बन रहे हैं। देखिए तो हमें अभी घी और डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ऐसे इसी हाथ से हम एक हाथ से भी बना सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम दोनों हाथ से बनाएंगे। लड्डू आप अपने हिसाब से बना लीजिए, मोटे छोटे जैसे आपके बच्चे खाते हैं। मेरे बच्चे तो इतना नहीं खाएंगे इसलिए मैं छोटे छोटे बना रही हूँ। ऐसे हमें लेना है और इसको मुट्ठी में ऐसे भीज के और ऐसे लड्डू बनाने हैं। आज गोंद के बन के रेडी हो चुके हैं, तो आप इस रेसिपी ज़रूर देखना और ये लड्डू एक बार बना के ज़रूर खाना, सर्दी में बहुत अच्छे लड्डू बनते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स एकदम कितने अच्छे लड्डू बने हैं गोंद के।